नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार स्नेह के साथ आप जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के द्वारा आपको कुंडली देखने, कुंडली के बारे में, कुंडली के ग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो, मेरे वीडियो संबंधी, ध्यान रखिए, मेरे वीडियो संबंधी कोई प्रश्न हो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा, कोई फीस नहीं दूंगा। परंतु कोई मित्रगण अगर अपनी कुंडली का पूर्ण विवेचन कराना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क करिए, उसके लिए मेरा कोई फीस है, अगर आप हमारे फीस को देंगे तो पूरा विवेचन कर दूंगा। आज बहुत से मित्रों का फरमाइश आया है शुक्र मंगल की युक्ति। दोस्तों, ये आपस में शत्रु ग्रह हैं। शुक्र मंगल की युक्ति आपके जीवन, आपके भाग से क्या संबंध रखता है, क्या प्रभाव देता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, ये मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं आपके सभी भावों का प्रभाव दे रहा बतला रहा हूँ। जिसके लग्न में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग दुष्ट विचार के होते हैं, सेक्सी होते हैं, इनके शादी विवाह में रुकावट आती है। जिसकी कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण उन्नति करते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, परंतु कमाए हुए धन को ये बचा नहीं पाते। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं और लंबे समय तक इनको भाई बंधुओं का सुख प्राप्त होता है। जिसकी कुंडली में लग्न से चौथे भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ऐसे लोग सेक्सी विचार के होते हैं, नशा पानी करते हैं, सुंदर भोजन, सुंदर बस, सुंदर पुरुष स्त्री के शौकीन होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, इच्छानुसार शिक्षा पाते, इनके होने वाले संतान भी जो। जिसकी कुंडली में लग्न से छठवें भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, विवादों में फंसे रहते हैं, जेल जाने की संभावना बनती है, नौकरी में सस्पेंड भी हो जाते हैं, व्यापार में घाटा भी खा जाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, इनका दाम्पत्य जीवन इच्छा अच्छा नहीं होता है, इच्छानुसार शादी नहीं हो कर पाते हैं, पुरुष है तो कई महिलाओं से संबंध रखता है, महिला है तो कई पुरुषों से संबंध रखती है, ऐसे लोग पारिवारिक जीवन इनका संतोषजनक नहीं होता। जिसकी कुंडली में लग्न से आठवें भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, आँख की बीमारी से परेशान रहते हैं, बुद्धि इनकी चलायवान होती, स्थिर नहीं होते। जिसकी कुंडली में लग्न से नौवें भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग बहुत कम उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी अब बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, अब रंग से राजा बनते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से ग्रहमय भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग के अच्छे मित्र होते हैं, समाज में इनकी अच्छी पैठ होती है, दूर दूर तक अपने इज्जत प्रतिष्ठा को फैलाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में शुक्र मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग सुंदर सामाजिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं,
यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, शुक्र मंगल की युक्ति आपके जीवन, आपके भाग्य पर क्या प्रभाव देता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, ये आप लोग इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। नमस्कार।